मेला से निकले हम, पेट्रोल सुनील साहब ने एज यूजुअल डलवाया नहीं, और अभी सर क्या रेंज आ रही है यार? लाइट चल रही है सबसे पहले, ये देखे ना मोटरवे पे लोग ये जो राइट इंडिकेटर देते हैं कितना गलत है, इसका क्या मकसद है उनको लाइट दी, राइट इंडिकेटर क्या होता है ये मुझे भी नहीं समझ आया। तो लाइट चल रही है बट हमारी गाड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंट है बिकॉज हमने 120 पे क्रूज लगाया हुआ है। तो मैं हर एक को ये बताता हूँ कि आजकल जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, डिस्टेंस टू एंड है 64 किलोमीटर और मेरा ख्याल है कलर का हार इज 56 किलोमीटर, तो वी आर एटलीस्ट 8 किलोमीटर हमारे पास रेंज मौजूद है, तो ठीक है पहुंच जाएंगे। अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो आती है ना वो बड़ी आला आती है, बिकॉज अगर आप इसको 120 के क्रूज पे चलाते रहे ना तो ये आपको तकरीबन 9.7 9.6 की प्रोरी एवरेज देती है। फिर कलर हार के बाद जब आप सॉल्ट रेंज करेंगे ओवरऑल आपको ट्रिप एवरेज 10 की मिल जाती है फॉर 5000 सीसी V8 इंजन। तो चलिए ये भी बताते हैं गाड़ी अच्छा है कौन सी। ये 2006 की एस क्लास है जिसको W221 बोलते हैं, S500 है, लॉन्ग व्हील बेस्ड है, V8 इंजन होता है, और ये जो है तकरीबन इस टाइम पे गाड़ी 47,000 चली हुई है। और उस इंजन के साथ काफी लोगों का ख्याल था कि ये कम पेट्रोल करेगी, उस दिन में हम आ रहे थे तो बहराम वाज ऑफ द ओपिनियन कि हम V8 ले चलते हैं, मैंने उसे कहा भाई दोनों की बड़ी फ्यूल एवरेज में फर्क है, उसने कहा नहीं जी फर्क कोई खास नहीं है, उसको इतने प्यार से चलाओ तो वो देती है 7 से 8 की एवरेज। इसका मतलब ये है कि अगर हम 400 किलोमीटर कर रहे हैं इस गाड़ी पे तो हमारे कितने लगे 40 लीटर, उस गाड़ी पे लगेंगे तकरीबन 10 लीटर का फर्क है। 10 लीटर आज के रेट के ऊपर 2800 रुपए की बचत हमने पूरे एक ट्रिप पे की अगर हम गाड़ी खाली दोनों को चेंज करके। और बाकी फ्यूल एवरेज आपने जिस तरह चलानी है गाड़ी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो मैं आजकल हर एक को समझा रहा होता हूँ कि भाई फ्यूल महंगा है, वैसे भी मोटर व्हीकल ने आपकी जिंदगी के लिहाज से उन्होंने एक रूल लगाई हुई है कि सेफ्टी के लिए 120 इज द लिमिट, तो हम 120 लिमिट पे आए हैं, आते हुए हमने कहीं भी स्पीड लिमिट हो जो है ना उसको ब्रेक नहीं किया। 3 घंटे और 36 मिनट हमारा ड्राइव टाइम था लाहौर से इस्लामाबाद का, बीच में आप ब्रेक लगा लें 15-20 मिनट की तो 4 घंटे बन जाएगा। तो अभी मैं इसलिए नहीं रुका कि अगर मैं शहर के शुरू में रुक जाता फ्यूल डलवाने के लिए इतना टाइम जाया करता, उसी टैंक में जिसमें हम आए थे उसी टैंक में भी हम वापस जा रहे हैं और कलर कार तक पहुंच जाएंगे दोबारा। तो ठीक है, अभी रास्ते में जो है ना बड़ा रास्ते में एक एक्सीडेंट भी हमने देखा है और बड़ा खतरनाक था। होता ये कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि गाड़ी आपकी जो है ना आपको अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी की स्पीड लिमिट, सड़क की तो 120 है ना, आपको अपनी गाड़ी का भी पता होना चाहिए कि मैंने इसको किस तरह चलाना है। दूसरी चीज गाड़ी के टायर सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग टायर चेंज नहीं करते, उसकी ब्रेक चेक नहीं करते हाईवे पे जाने से पहले, ये सारी चीज जरूरी है। और हमने ये गाड़ी रिस्टोर की थी, हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी इसकी, रमजान में हमने की थी, ब्रांड न्यू टायर डालते हर चीज ब्रांड डाली थी। तो उसका फायदा ये होता है कि आपको रिलायबिलिटी वाइज पता होता है कि यार ये गाड़ी जो है ये कहाँ तक जाएगी और ये कितनी में इसमें जो है ना मतलब रिलायबिलिटी वाइज कहाँ पे है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें इस गाड़ी में, इलेक्ट्रिक मेमोरी सीट्स हैं, हीटेड सीट्स हैं और इनमेटिक सस्पेंशन है, इसके अलावा एडेड ऑप्शन के अंदर इसके अंदर नाइट विजन, अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका नाइट विजन का बटन दबाऊंगा तो ये आपको मीटर के अंदर आपको नाइट विजन व्यू देना शुरू कर देगा। ये कैमरा के थ्रू दिखा रहा है, ये इसके आगे कैमरा लगा हुआ था उसके थ्रू दिखाते हैं, और ये बड़ी लिमिटेड गाड़ियों में था ये ऑप्शन। सनरूफ है, इसकी रियर सीट्स भी रिक्लाइनिंग है बीइंग अ लॉन्ग व्हील बेस्ड, इसका हेड रूफ जो है लाइनर है वो ब्लैक रंग का है, गाड़ी का पूरा इंटीरियर आइवरी वाइट है जो कि आज तक बड़ा साफ रखना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन जिन्होंने भी मेरे से पहले गाड़ी रखी थी क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उन्होंने बहुत संभाल के रखा हुआ। और इसके अलावा इसकी एम्बिएंट लाइट है, अगर आप अपनी फ्लैश बंद करेंगे तो शायद आपको दिखा सकेंगे इसमें एम्बिएंट लाइट भी है। फॉर अ कार ओल्ड एज ओल्ड एज रोबोट, इसकी रीडिंग लाइट्स बड़ी मजेदार थी, 17 साल पुरानी गाड़ी है, इसकी रीडिंग लाइट आपको दिखाते हैं जब चलेगी तो सिंपल रीडिंग पे सिर्फ वहां लाइट आएगी, और अगर आपने वैसे ऑन करनी है पढ़ा लिखा पंजाब तो ये है। बाकी इसके वुडन पैनल है, यहाँ पे इसका सीडी चेंजर है, बटन दबाएंगे तो आ जाएगा, एनालॉग क्लॉक है, यहाँ पे कप होल्डर है, कप होल्डर को हटाए ना आप यहाँ से, अगर आप बटन दबाएंगे तो ये सीडी चेंजर आपको सामने नजर आ जाएगा, इसमें डीवीडी चेंजर भी है, और इसकी जो एलईडी है अंदर एलसीडी जो है इसको आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, इस तरफ कर सकते हैं, यहाँ से इसके कंट्रोल हैं इसके रेडियो के और इसके सारे, ठीक है जी। टेलीफोन कंट्रोल करना तो इसका यहाँ पे टेलीफोन जो है क्योंकि जमाने में ब्लूटूथ वाला नहीं था, यहाँ पे एक डोंगल थी उसके अंदर आप फोन लगाते थे और वो फोन गाड़ी के साथ अटैच हो जाता था, जस्ट लाइक मैं BMW जस्ट लाइक योर टोयोटा यारिस स्पोर्ट्स। और क्या चीज आप, स्टेयरिंग कंट्रोल था, क्रूज कंट्रोल है, स्पीड लिमिटर वैसे है, कंफर्टेबल। अगर आप आज की टेस्ला में बैठेंगे ना टेस्ला में तो आपको ये गियर नॉब और ये नजर आएगा, जो मर्सिडीज के बने होते हैं 100% सेम भी ये अभी तक यूज हो रहे हैं। टेस्ला ने काफी सारी ऑडी से जर्मन गाड़ियों से कॉपी की हुई है, वो मतलब कॉपी नहीं, पार्ट्स मर्सिडीज से लिए, उसका स्टेयरिंग व्हील भी मर्सिडीज का होता है टेस्ला का जो होता है, उसका गियर नॉब भी मर्सिडीज का है, उसका जो लिवर यहाँ पे इंडिकेटर है वो भी मर्सिडीज का है, उसके विंडो स्विचेस भी मर्सिडीज के बने हैं।
अभी आपने क्रूज पे लगाया हुआ? मैं थ्रोट क्रूज पे आ रहा हूँ, 120 पे क्रूज लगाया हुआ है। क्रूज का ये एक तो पाँव को रेस्ट देता है, उसके अलावा भी कोई फायदा? आपका आरपीएम जो उसने सेट किया है देखना, एकदम नहीं तेज हो रहा, मैंने उसको 120 पे किया, ऐसा ऐसा जाता है, आप ग्रेजुअली जा रहे हैं तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। अदरवाइज अगर आप खुद करेंगे तो आप एकदम, अगर हैवी फुटेड है तो आप बहुत ज्यादा उसको रेव कर देंगे। अडैप्टिव है या ये साथ है? इसमें नहीं अडैप्टिव नहीं है, इसमें स्पीडट्रॉनिक आता था, इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं। और पीछे देखें हमारे बॉयज जो है सो गया, एक बंदा तो सो गया, तीन लोग आराम से आ जाते मेरे ख्याल। हाँ सीट बहुत कम्फर्टेबल, बंदे की नींद आ जाती पीछे। पार्किंग सेंसर्स का भी डिस्प्ले है। और लेग रूम कैसे है? लेग रूम कमाल का, कमाल के मेरे आगे भी एक अहमद बैठ सकते हैं, दो अहमद और है, तीसरे अहमद की जगह है अभी रखी हुई, अच्छी अच्छी बुकिंग कराई हुई तीसरे अहमद की। अच्छा यहाँ पे इसके एक पार्किंग सेंसर्स का भी व्यू आएगा, वो आगे सामने काले रंग का जो है, इधर क्या बोनेट के ऊपर नहीं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे होगा और पीछे छत पे होता है पार्किंग सेंसर्स का। अच्छा अच्छा जी, और इधर ये इतने वैनिटी मिरर्स भी, यहाँ पे अपनी खूबसूरती भी देख सकते हैं, ऐसे लास्ट दबाए बटन निकल आएगा, ये इसमें लाइट भी होगी। वाओ ग्रेट, अगर आपको याद हो तो आपने उसमें भी देखा था, ये पीछे भी आपके टैंक में भी था, ये भी इसमें सॉफ्ट क्लोज, इसकी सर ये कंडीशन बहुत आला है, मतलब सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी हैं इसमें, ये आपने डिटेलिंग की है क्या चक्कर है यार? ये जब मैंने रिस्टोर की थी रमजान में, मैंने सारा कुछ इसका जो है ना, जिसे कहते हैं ना शुरू से लेके एंड तक गया था, इसकी ये वाली सीट फटी हुई थी जो ड्राइविंग सीट है, बाकी तमाम सीटें बिल्कुल साफ सुथरी थी, इसको डिटेल किया है, ड्राइविंग सीट इसकी जो है नई बना था लेदर से, बाकी इसमें कोई काम नहीं था। इस गाड़ी का अगर आपको याद हो ईसीयू रिप्लेस हुआ था, ये वही गाड़ी है जो हम लिफ्टर पे उठा के लेकर आए थे, तो ये नहीं मतलब कि अगर गाड़ी कभी तंग करी तो सारी उम्र करती रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे फिर हम फैसलाबाद गए थे, मुझे याद है वो हमने सनशाइन गैरेज टूर किया था, फिर हम इस्लामाबाद i7 का रिव्यू करने आए थे तब इस पे आए थे, और आज इसका तीसरा लॉन्ग टूर है, तो कल भी इस पे आए हैं और वापस जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से रिलायबल है और रमजान के बाद से चल रही है, बेहतरीन चल रही है। एवरेज आपको बता दी, शहर में फ्यूल एवरेज बुरी करती है, शहर में फ्यूल एवरेज 5-6 है, सही है, बट बड़ा इंजन है लॉन्ग पे, अच्छा मतलब इतनी सारी क्वालिटीज हैं, 2006 मॉडल है तो 50 लाख की तो होगी कम से कम, नहीं 50 लाख की नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 पे है, प्राइस इसकी एक वेरिएबल चीज है, कभी नीचे आई थी बीच में 2-2-1 जो है 70-80-90 पे भी आई थी, आजकल जो मार्केट के हालात हैं 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25-2 करोड़ पे भी जाती है, वो तो गाड़ी गाड़ी पे डिपेंड करते हैं। मैं ये बता दूं आप जब गाड़ी लें उसकी हालत क्या है, जब हमने ये गाड़ी ली थी मैंने ख्याल क्लोज टू 2 मिलियन इस पे लगा चुके हैं अब तक, लेकिन अच्छा। उसके बाद हर चीज ब्रांड नहीं होती, ईसीयू से लेके रेम टायर, इसके ऊपर 3M का रैप किया था, वो तो खैर डिजाइनिंग है, रेम टायर हो गए, ये सारे पैसे तो लेते हैं, ये तो शौक के पैसे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसका ईसीयू खराब था, इसकी पूरी सस्पेंशन खराब थी, इसकी टाइमिंग चेन, ये वो सारा कुछ चेंज हुआ, सीट फटी हुई थी, ये सारे काम हुए, ये सब के बाद इसके जो ब्यूटिफिकेशन पे गया तो टोटल राउंड अबाउट 2 मिलियन खर्च किया था इसके। लेकिन सर गेम क्या, आप पहले ट्यूटा ट्यूटा करते थे आप, नहीं, मैं सारी मर्सिडीज करता हूँ। हाँ। यार मैं मर्सिडीज इसलिए ले रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि जिस प्राइस में ये गाड़ी मिलती है उतने में आप सिर्फ एक टर्बो आती है या ग्रैंडी आती है, आप उसको लेके इसमें थोड़े से पैसे लगाएं, जितना इस टाइम पे हम क्वाइट आराम से सफर कर रहे हैं, लिटरली कल मैं और बाली कहते हैं कि इतनी कंफर्टेबल है कि वाकई नींद आ रही थी, तो इस गाड़ी का और क्वालिटी का जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ इन गाड़ियों में इसके एयरमेटिक शॉक्स चारों नए डले थे, वो खराब हो गए थे, पुरानी गाड़ियों को आप एक दफा लेके जब एक दफा सेट कर लेते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही चलती हैं। पहली बारी जब आपने पैसे खर्च करने हैं वो कोई भी गाड़ी हो, रजिस्ट्रेशन बेशक हमने FS की थी या की थी, मैं हमेशा बताता हूँ पूरी करें, वरना वो होता है कि कैंसर की तरह एक चीज आप करेंगे दूसरी जगह खराब हो जाएगी, दूसरी तीसरी खराब हो जाएगी, और आप फिर मैकेनिक के पास घूमते रहेंगे, वो आप कहेंगे नहीं आपने ये नहीं कराया था वो नहीं कराया था। ये सारी चीजें आपको बड़ी जरूरी है कि आप एक दफा उसको कहते हैं 0-0 कर लें गाड़ी को और फिर एंजॉय करें। सो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा लोगों कहता हूँ, गाड़ी के लिए ना जिस तरह हमारे लिए खून है हमारे रगों में, उस तरह गाड़ी के लिए जो मोबिलाइल है ना उसको टाइम पे चेंज करें, गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशन इंजन बताता है वो वाला मोबिलाइल डालें, और इसके एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर इनको टाइम पे चेंज करते रहें। अगर आप गाड़ी के सारे फ्लूइड्स टाइम पे चेंज करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल, अगर आप गाड़ी का ख्याल रखेंगे तो आपका ख्याल नहीं रखेगी, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप गाड़ी का मोबिलाइल चेंज ही नहीं करेंगे जिस तरह यहाँ पे कई लोग नहीं करते, तो फिर वो होगा ये कि वो बेशक स्पोर्ट्स कार हो या कोई भी वो आपको तंग करेगी। ये इसका पुश स्टार्ट क्यों इतना छोटा सा बटन, पुश स्टार्ट का है ये, इसमें पुश स्टार्ट नहीं है भाई, कौन सी चीज कह रहे हैं? अच्छा ये बटन, ये इसका कुछ सेंसर है, पुश स्टार्ट नहीं है, ये सिंपल स्टार्ट वाली गाड़ी, पुश स्टार्ट वाली 2010 के बाद आई थी गाड़ी, बट इस गाड़ी में पुश स्टार्ट की ऑप्शन नहीं है मेरी वाली। सर ये बत्ती आ गई है खतरे की क्या? फ्यूल की बड़े अरसे से आ रही है, जब आपने उधर देखा सड़क क्रॉस करें मोटर पे चेक करें किधर, ये देखे 2-3 हजार क्रॉस करे, ग्रेप का क्या मतलब होता है सर? वाओ ग्रेप, आपने वो देखी नहीं हुई नीम वाली वीडियो जो, क्या ग्रेप है मुझे भी बता दे, ग्रेप तो मेरा ख्याल था बार बार आपने कहा कि ग्रेप भी लिखा, मैंने कहा ग्रेप सर सोर, वो देखे कहाँ से लेफ्ट से आया ZX5 3x5 गरीबों की प्राडो। अच्छा आपने ये गाड़ी चलाई है, आप इसे सरफरंगा जब गए थे बाली से आप पूछ लीजिएगा, मैं इसको गरीबों की प्राडो बिल्कुल ठीक कहता हूँ, बिकॉज हम फॉर्चूनर लेजेंडर
ट्रेवो, पुराना सर्फ और V8 लेकर गए थे मेरा। V8 और सर्फ की ड्राइव बहुत कंफर्टेबल थी। जिसको कोना लेजेंडर चला वो कहता था मैंने नहीं चला। नहीं इसकी स्टिफ है ना थोड़ी सी, बहुत स्टिफ है, थोड़ी नहीं है बहुत स्टिफ है, पता नहीं क्या है। मतलब ऐसा ही कहता हूँ गरीबों का फराडो है उस मारना, उस गाड़ी में कोई मजे की ड्राइव नहीं है। अगर डीजल है फिर ठीक है, उसके अंदर टॉर्क है, पेट्रोल में तो टॉर्क भी नहीं है यार, टॉर्क मजा नहीं आता उसमें चलाने का। चट्टा साहब अगर आप चेक करते हैं कितने किलोमीटर, नहीं तो लेजेंडर तो डीजल है ना, लेजेंडर तो 32-30 क्या मतलब 32 दो दफा बोल दिया, दो दफा क्या बोल दिया, जल्दी से नीचे जा रहा है 32 किलोमीटर सर रह गए कलर कार, वहां पे जाके हमने गला खराब हो गया सर, बोल बोल के देख ले कार मिला पे क्यों पता नहीं सर, चीख चीख के बोल रहा था। क्या बोलते रहे हो रात को कार्टिंग पे भी, ये जब कार्टिंग कर रहे थे ना गाड़ियों काफी साउंड था, मैं जोर से बता रहा था कि फ्रांस साहब जो है वो हार रहे हैं, तीसरे नंबर पे आ गए, चौथे नंबर पे आ गए। यार ऐसे ना करें आप, सही बात बताए, फ्रांस साहब ने आपको प्रेशराइज किया था कॉलो को मैं ही जीतूंगा, कहा था ना उन्होंने। चले सर आप चक्कर ना दे, चक्री पे जो रुके, चक्री गुजर चुका है हमने, कलर कार, कलर कार, कलर कार। चले हम बाहर से भी गाड़ी दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी धोखा कर गई है। पहले गाड़ी हमें बता रही थी 70 किलोमीटर और 60 की वो थी, हमारा जो है कलर कार 60 किलोमीटर था। अब बहुत प्यार से चलाते चलाते एकदम मैंने फील किया जब आप लास्ट वीडियो बना रहे थे कि जो डिस्टेंस है ना, जो हमारी गाड़ी बता रही है डिस्टेंस टू एंड, वो कम हो गया है और ये जैसे जैसे जमीन बढ़ गई है कलर कार दूर चला गया। अब कलर कार 10 किलोमीटर का बोर्ड आया और हमारी गाड़ी कह रही है कि मैं 0 किलोमीटर चलूंगी और यहाँ पे आ गया। तो हाईवे पे कभी ये पंगा नहीं लेना चाहिए, हमें चाहिए ये था कि हम जो है ना चक्री से गाड़ी फुल करा लेते अभी। लेकिन मैं आपको जो है ना इधर देख ले, हमारा ऑर्डर लोहे का ऑर्डर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि जीरो होने के बाद भी इसमें होता है। लेकिन आप ये पंगा ना लें अगर आप खासतौर पे फैमिली के साथ हैं, हमारे साथ तो सुपरमैन थे इसलिए हम सुपरमैन के साथ आ गए, सुपरमैन अपनी बाजू उड़ा के ले जाएंगे। क्यों सर मैंने कहा था, आई टोल्ड यू टू डू इट माय वे नॉट द हाईवे। ये सारी अंग्रेजी जो बोली इसकी उर्दू बता दे, कल बताऊंगा आपको जो मेरी श्रेणी घूमी लेसन नंबर 3.1 पे। चलिए अभी पहुंचते हैं इंशाल्लाह, बताएं क्या हम पहुंच पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये असल में इनका दिल कह रहा है, दिमाग नहीं कह रहा है इनका, ये दिल से कह रहे हैं कि इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, वरना क्योंकि आगे है भी अपिल, पूरा भरोसा है। ओ इट्स अपिल बैटल, अपिल बैटल है। तो अभी डिस्टेंस किलोमीटर जीरो के ऊपर एवरेज है, हो गया सर, लेकिन इंशाल्लाह पहुंचेंगे, पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये आखिरी अभी एक चढ़ाई आनी है, क्या सुनील साहब कर पाएंगे अभी टीम चार दफा आपने वो स्टार प्लस के ड्रामे थे 98 स्पीड भी कम हो रही है, मैंने काम किया है ताकि अगर 120 पे जाऊंगा तो खत्म हो जाएगी, हमने क्रूज करके आपका मुंह 2-3 दफा आपका आएगा ठीक है, फिर एक दफा हीरो की शक्ल, 2-3 दफा आपकी विलन की शक्ल, ठीक है सर। ये लाइट भी बंद कर दे, पेट्रोल लग रहा होगा यार, लाइट इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पेट्रोल लग रहा होगा। अच्छा जी फरहान साहब, ये अब आप देख के ना कैमरे में देख के हाथ ला दे, हमने आपको देख के मजाक किया था, असल में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। ये पार्टी भी हो रही है इधर, ये पार्टी नहीं हो रही है, पार्टी आपको 2 किलोमीटर दूर जाने का पेट्रोल दे देगी, ये जरूर कर देगी। अच्छा ये दे देते हैं पेट्रोल, हाँ इनके पास होता है जो, कभी आपने ट्राई किया? आपने किया ट्राई, ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुके हैं। अच्छा कभी ऐसे हुआ 2-2 किलोमीटर चला चला के, मतलब नहीं ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मैं मोटरवे पे ऐसी गाड़ी पे भी आया हूँ कि हर स्टॉप पे रुक के उसको गाड़ी को थोड़ा ठंडा करके फिर भी चले हैं, 60 किलोमीटर ऑन एवरेज जो है ना स्टॉप आता है। कौन सी गाड़ी शुरू में आता है यार? वो एक करोला थी 2015 की, उसका रेडिएटर चौक था और उस दफा मैं 8 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचा था। तो खैर नहीं, अल्लाह खैर करे, आप शक्ल मेरी जैसी ना हो तो बात अपनी जैसी करें और सीधा दुआ करें कि हम पहुंच जाए, तो देखते हैं दुआ करते हैं। कल मेरे मोटर पे जो है ना पेट्रोल वाले ने भी हमें डरा दिया, उसने कहा जी 300-250 रुपए का पेट्रोल है, मैं कहा है, कह रहा जी हमारे पास तो चेंज ही नहीं हुआ, मैं कहा खुद आधा खौफ कर, अभी हम कैमरा खोलने लगे थे कि उसने बताया कि हाई ऑक्टेन की बात करो, मैं कह रहा हाई ऑक्टेन नॉन रेगुलेटेड है, वो आप 400 पे बेचे, 345 का नहीं है हाई ऑक्टेन, हर बंदे ने 328 का था इनका, हर किसी का अपना रेट है, वो नॉन रेगुलेटेड है ना सेक्टर, फ्यूल सेक्टर, वो आप बेशक 220 का दे दे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेगुलेटेड जो है वो रेगुलर है। ये चढ़ाई अगर गुजर गए तो ठीक है, नहीं तो हैजर्ड हमारा फ्यूचर, और हम इधर रुके होंगे पुलिस का, ये सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा अगर गेंद ये पार कर गई ना तो बस फिर आप सुकून में, और रेखा का पता नहीं, लेकिन ये भी गाड़ी ये कह रही है कि डिस्टेंस मेरे अंदर 0 किलोमीटर है और सुई देखें 0 से भी नीचे चली गई है। तो सारे बताएं कि सुनील साहब कर पाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। लो जी अभी आखिरी चढ़ाई है फरहान साहब, ये डिसीजन है बस देख लें, अगर आप मीटर दिखाएंगे तो बगैर फ्लैश के दिखाएं तो आपको नजर आएगा डम 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 डम, करीब करीब करें ना इस पे, यहाँ से आपको नजर आएगी, ये देखें सुई कहाँ है, और ये आखिरी चढ़ाई चढ़ते हुए डन
शुगर लगाते हुए अक्सर ही हम इधर खड़े हुए हैं आपके साथ मेरे साथ आप ऐसे आज तक खुदा को मतलब मैं अपनी जिंदगी में कभी रुके हैं सड़क पे बहुत दफा मोटर वे पे हाँ जी किस गाड़ी पे सर मैं रुका मेरा पे रोकने की बात नहीं करा मैं नहीं सड़क गाड़ी खराब होने से अल्फाड पे क्या हुआ था पहिया फटा पड़ गया था तो वो तो किसी का भी टायर फट सकता है उसके बाद टकोमा में कभी फट सकता है जब वो इंसान खराब होता काफी मतलब कि मुझे तो फोर्थ लेन वाली स्टोरीज ही आपके साथ ही याद है और तो मुझे पता ही नहीं है कभी हुआ है कभी यार आपने बचपन से लेके ट्रैवल ही कोई नहीं किया सारा पाकिस्तान में आप कैसी बातें करते हैं अच्छा बताएं पहली दफा कर दूं आप कौन लेके गया बस कर दूं मैं गया मोटरवे की बात कर रहा हूं मोटरवे पे तो जाते रहे सवाल का जवाब दिया करें लंबा ना करें आप पहली दफा कर दूं आप पार्क भी छोड़े मैं लेके गया था सिंगल लैंडली में पहली दफा लाहौर कराची बाय रोड आपको कौन लेके गया था मैं लेके गया था एफजी क्रूजर पे अक्टूबर 2020 के अंदर सर आपने रोड पति है आप कितने किलोमीटर का बूट आ गया है नजर नहीं आ रहा किलोमीटर और हम पहुंच गए अब तो भाई का एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ेला है ठीक है जी ये लें यार ये देखे ना ये पहुंचे तो ये आपने जान के आपकी स्ट्रेटजी थी ताकि आपकी जो है ना पहले दो टैंक जो लगे वो किसके खाए आपने तो ये सर पार्क व्हील को देखे ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं ऐसी बड़ी 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 गाड़ियां लेके आते हैं यहाँ पर पेट्रोल वाला कौन सा सर ये कितने हसरौन हैस्कॉल है हसरौन वो हसरौन लिखा हुआ है हसरौन है ना उसको हैस्कॉल का हैस और आगे रॉन लेवल का रोल फ्रांस साहब कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन एक्चुअली वैसे देखते हैं कितना पेट्रोल डलता है आपकी वैसे ना मेरी आंखें रह गई सर जरा मुखड़ा शरीफ थोड़ा सा ये चलनी चाहिए 90 लीटर के करीब की टैंक होगी सर आंखें क्यों बंद कर दी आंखें यार कमजोर है आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है ना जब आप चला रहे होते हैं गाड़ी आप डिजर्ट्स खाया करें और यहाँ से मेरा ख्याल है चले एक और गैस मारते हैं चलो जी शर्त लगाओ बॉयज यहाँ से कलर कार कितनी देर का टाइम है और कलर का हार से मेरा कलर कार से मेरा 45 मिनट्स 30 मिनट्स एग्जैक्ट अभी क्या टाइम हुआ 60 किलोमीटर एग्जैक्ट 60 किलोमीटर नहीं बेटा बीच में वो भी है ना सॉल्ट रेंज सही कह रहे 13 हुआ है ना 45 मिनट्स लगेंगे जब हम यहाँ से निकलेंगे तब आप कितना कह रहे हैं 45 मिनट 7:13 हुए हैं मैं एक अच्छा नागरिक हूँ मैं जो हूँ ना स्पीड लिमिट पे जाता हूँ 20-25 हजार का पेट्रोल जी कलर कार पहुँच गए हाँ जी भाई जान कल पहले प्राडो में 20 हजार का डलवाया आपका पैसे है ना कार्ड चल जाएगा ना कार्ड मित्र हैं पता लगे हम यहाँ पे रोक लें बर्तन धोने के लिए सर अच्छा खासा मेरी पूरी 10 हजार की लिमिट है महीने की वैसे जितने यहाँ पे शीशे साफ वाले लेते हैं उतने में आप शाम तक पूरे कर लेंगे सर ये दहीना सुनील साहब अभी जो है ना दयालु है अभी 5 हजार का नोट दे देंगे ये रहा यार ऐसे कहते नहीं है कैसे कैसे लोग घड़ी क्यों इसमें बाकी हर चीज रीजनल कर दी है अगर आप कोई भी अच्छी गाड़ी देखेंगे ना कोई भी अच्छी गाड़ी अगर आप जिंदगी में कभी देखोगे उसमें एनालॉग क्लॉक आएगी इट्स ये आपका वक्त बता रही होती है डिजिटल क्लॉक है ना वो आपका वक्त बताती है आपका वक्त बताती है सर हर चीज अब डिजिटल अब आप भी ये क्या हुआ 50 हजार का डल गया कितने का नहीं अभी तो वो 50 हजार वो तो लाखों के डले हुए हैं वो तो पता नहीं कितने 55,44,000 कितने 16,000 अच्छा अभी तो 16 है 58 है ना 90 लीटर पे जाएगा मेरा सेल भी बता रहा है सेल बता रहा है 2 लाख की हुई है अभी 93,000 कोई नीचे क्या यार तेरी तबीयत ठीक है 7,720 वो पीछे को बस भरी होगी ना 5,40,000 ये बस भरी भी नहीं है अभी तक जैसे मीटर नहीं होता गाड़ी का मीटर होता है उसका मीटर है कितना उसने मीटर डाला सुबह से अब तक शिफ्ट का बता रहा है ट्रांसपेरेंसी है अच्छा 17 किलोमीटर हो गया लीटर हो गया अभी ऊपर वाला क्वार्टर है तो 90 के अब रेंज चेक करना कैसे लोड होगी ये देखो ट्रिप के स्टेटस 674 किलोमीटर 9.7 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज आ रहा है ये 10 की पे दे रहे हैं ना 10 इससे ऊपर की एवरेज है 10 ये 90 किलोमीटर 90 लीटर आएगा ब्यूटीफुल पर आप बस ही चला रहे हैं सर ये 24,000 25 ओए शुक्र है बस 24,500 पे रोक दें बस 85 लीटर हुआ ना तो तकरीबन मेरे ख्याल है 80 लीटर की टैंक ने भरा था इसका मतलब है अभी भी इसमें 4 लीटर पेट्रोल था अच्छा है ना
बस पर्ची दे दे यार, कैश बहुत है ये मेरे पास, के मेरे पास तो 500-700 रुपए होता है टोटल। ये भी इतना ही है, आप जो लगे आप रहे बता क्यों रहे हैं कि कहीं कल को आपको रोकना ले आपका कार्ड का नहीं है सर। नहीं हमने टोल भी देना ना, खाना भी खाना है, आप कार्ड पे दे दे पेमेंट, मैं आपको दे दूंगा यार। आई जस्ट ट्रांसफर राइट नाउ ब्रो, भाई मैं अभी कर दूंगा ट्रांसफर, मेरा यकीन करें। क्या फरहान को मिल पाएगी अपने पैसे वापस? हमने वो भी ले लिए, वो भी तो ले लिए मेरे मां, मुझे पता खाने वाले के लिए अगले एपिसोड तक रहे। अभी भाई जल्दी पहुंचेंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आप भी ट्राई किया करें भाई। यहाँ से कुछ लेना नहीं, क्या है भाईजान पर्ची दे दी है, आना चाहिए बीच में भाई दिया है तो पर्ची दे दी। अभी रिजेक्ट हो जाएगा कार्ड? ओ नहीं सर, मंशा हो गया रिजेक्ट हो गया, हो गया सर, वो हुए चोरी का कार्ड चल पड़ा। चलो अल्लाह का शुक्र आज की चोरी कामयाब हुई, शुक्रिया, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आपने अभी एंड पे क्यों, उससे ये हम पहले डलवा लेते, क्या फर्क पड़ता था यार उस टाइम पे? वहाँ पे खड़े होते बहुत रश होता है, यहाँ पे रश कोई नहीं था, पहली बारी आ गई और आप एक रिदम बन गया तकरीबन 100 किलोमीटर से ऊपर आगे, हर दफा रुक जाओ 2-2 मिनट बाद ना तो बड़ी टेंशन होती है। इधर क्या हो गया, बस खड़ी हुई है, नहीं इतना ज्यादा रश क्यों एग्जिट लो में? इस बस ने सारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ। नहीं यार ले तो नहीं, नहीं आगे से तो नहीं, आगे से एग्जिट नहीं होता, पानी क्या आवाज आ रही वो तेरी क्या यार फ्रांस, मेरा बैग भर गया चाय से यार, मैं वही कह रहा हूँ एकदम से क्या हुआ है, उफ़ कितना गया, बहुत गिरा है एकदम से। रुके मैं आपको कपड़ा देता हूँ, ये यार अभी मेरी गाड़ी की डिटेलिंग के बारे में बात हो रही थी यार, अभी आपने सर ये चाय आप फेंक देना, ये चाय डाली किसने सर आपने करके पकड़ाया था आपको? मैंने फुल भरा हुआ था, मैंने जब आपको भरा हुआ था, भरा एक मिनट यार मैं आपको जगह बताता हूँ कब भरा हुआ था, जब मैं आया हूँ वापस फरहान साहब की गाड़ी से, मैंने आपको खाली का पकड़ा, नहीं फुल भरा हुआ था, उसने मुझे उसने दिखा है वो जो, अभी इसके अंदर तो नहीं चला गया, इसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरा आईफोन भी है, देखो वो बत्ती भी जल रही है अंदर, मैं वही कह रहा हूँ आईफोन है अंदर, अंदर चाय गई है यार कमाल फरहान साहब, नीचे देखे कपड़े से साफ करे, नहीं गई यार अहमद जूनियर तो मैं नीचे उतार दूंगा, नहीं 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 चटा नहीं दूसरा अहमद सनसनी खेज, अल्लाह जी चलान हो रहे हैं बाहर वो ठाठा करके सामने फ्रेश है, टैग का सामान कुछ भी गिला नहीं होगा सर, आप टैग के सामान को छोड़े सामने चलान बज रहे लोगों के, आप चेक करना 50 की स्पीड लिमिट है, देखो दोनों ने ब्रेक लगा दी है। अच्छा हम बात करते हैं वीडियो के अंदर ब्रेकिंग गियर की, तो इसमें पैडल शिफ्टर है, लेफ्ट साइड का गियर नीचे आता है, राइट वाला बटन करूंगा तो ऊपर आता है, अभी मैं दूसरे गियर में हूँ 50 की स्पीड पे हूँ, अगर मैंने अपनी स्पीड तेज करनी मैं उसको यहाँ से गियर ऊपर कर दूंगा तीसरे में हो गया, गाड़ी लाइट हो गई आपको लग रहा है, अभी नीचे एकदम तेज होनी है, मैंने ब्रेक करना है, मैंने उसको दूसरे गियर में कर दिया, जब मैं दूसरे गियर में आ गया तो गाड़ी खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड लिमिट के अंदर है, अब मैं इसको दोबारा तीसरे गियर में शिफ्ट कर रहा हूँ, और अभी जिन लोगों के चलान होने आगे पुलिस वाले ने आपको फोन के पदाश में रोक लिया तो लहदा बात है, क्यों फोन के पता नहीं फोन का इस्तेमाल शायद मना, क्यों मना है, वो आगे हमारे होंडा सिटी वाले जो है उनके बेचारों का नागरिक के साथ काम हो गया, देखिए टायर था कलर कार पे यार आपको ब्रेक का जो है ना वो अपना इस्तेमाल इंसानों की तरह करना है, क्योंकि आप ज्यादा चढ़ाई जब आती है तो आप ब्रेक जब ज्यादा दबाए रखते हैं आपको वैसे आईडी नहीं तो वो गर्म हो जाती है, ब्रेक जब ब्रेक गर्म हो जाती है तो फिर वो काम छोड़ देती है, अगर आप मैनुअल गाड़ी पे है तो गियर से ब्रेकिंग कर ले, ऑटो में भी जो है जो है अगर आप पुरानी ऑटोज में तो उसमें 3-2 और बटन होता है एल तो वो कर लें, और अगर नई गाड़ी है पैडल शिफ्टर वाली है तो उसमें तो बड़े आराम से आप पैडल शिफ्टर को यूज कर सकते हैं, अभी हम आए हैं मैनुअल गाड़ी में क्या करना है, मैनुअल में आपने गियर डाउन शिफ्ट करना है, फोर्थ से थर्ड पे आए हैं थर्ड से सेकंड पे हैं, अच्छा कोशिश करें कि आप गियर से ब्रेकिंग करें, आप ब्रेक से ब्रेक ना करें, और जैसे मेरी गाड़ी बुगाटी चिरोन जैसे लोगों के पास, बुगाटी चिरोन नहीं है आपकी बुगाटी चित्रा है, चित्रा ये रोन आपका जो टेक का सामान है, ये पीछे टेस्ला का चार्जर निकला उसमें से, ये टेस्ला का चार्जर है, ये देखें यार ये ग्रीन ये क्या है,
बाली की गाड़ी में म्यूजिक तारे जमीन पे रख दो, तारा पहले जमीन पे है। अभी शुक्र करें हमारा पेट्रोल खत्म नहीं होने तो कुछ और अच्छा पीछे भी एसी है सर। एवरेज देखे गियर ब्रेकिंग जैसे एवरेज कहाँ की जाके खड़ी है 8.9 लीटर पर 100 किलोमीटर 11 की एवरेज भी पड़ी है 12 की बंद वो सर ये ध्यान से सर ये लगा के देख ले आपकी आपको डर क्यों लग रहा है फ्रांस? आई एम अ वेरी सेफ ड्राइवर। अब ब्रेक का सवाल मैं 100 की स्पीड पे हूँ यार, 100 मोटरवे पे जा रहा हूँ और क्या करूँ। आप आते हैं स्पोर्ट्स कार पे 140 फील्स लाइक इसकी जो है ना 130 है। हालांकि उल्टा है, आप उल्टा बोल रहे हैं मर्सिडीज़ को, ये क्या नीचे के बहुत नीचे के लेटे दे रही है सड़कों की सड़क की तस्वीरें जा रहा है भाई, सड़क की तस्वीरें खींच रहा होगा, फ्लैश मार रहा है यो। अब ये देखेंगे ब्रेक मेन पे जाते हुए ना कई लोग ऐसे अक्लमंद ही है ब्रेक के दोबारा, मुझे नहीं समझ आती क्यों। ये देखें वो बस से बच रहा है ना, बस से मैं भी बच रहा हूँ, ब्रेक दबाने की क्या जरूरत है। आप इंजन ब्रेकिंग कर रहे हैं? मैं तो कोई नहीं, मैं तो क्रूज के थ्रू कर रहा हूँ। नहीं लेकिन वैसे उसकी जरूरत ही कोई नहीं थी, बस इस लाइन में आ नहीं सकती। आप क्रूज को कैसे कंट्रोल करते हैं? ये देखिए क्रूज को आप एक के उसमें भी ऊपर लेके जा सकते हैं, अगर आप इकट्ठे करें तो 5 के उसमें भी जाता है। ये देखिए 110 पे आ गया, अब इसको और नीचे करना है 100 पे करूंगा खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा। इसमें एडाप्टर तो नहीं है? नहीं और समय नहीं आ रहा कि बंदा गलत रडार वाला है जिससे ब्रेक रुक हो जाती है, चली जा रहा है गलत लेन में, चली जा रहा है। इरिटेटिंग ड्राइवर होते हैं ऐसे लोगों की वजह से एक्सीडेंट होता है जो कि गलत गाड़ी चला रहे होते हैं। मेन सड़क पे जाते जाते ब्रेक दबाई जाएंगे, आगे कोई नहीं होगा, गियर चेंज करने से पहले भी ब्रेक दबाते ड्राइवर ऐसे होते हैं। तो असल ड्राइविंग आप सर ड्राइविंग स्कूल खोल ले, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लोगों से कहूँ। और ये कोई बड़ा ड्राइवर नहीं होता कि जी मैंने बड़ी स्पीड मार ली, स्पीड मारना कौन सा, वो तो फ्रांसा भी मार ही लेते हैं। गाड़ी को कंट्रोल करना और आप जिस स्पीड पे जा रहे हैं उस पर आपको पता हो कि यार अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी का कोई टायर खराब होता है, टायर फटता है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। ये चीज है, आपको जिस भी मशीन पे हो घोड़े पे हो, आपको पता होना चाहिए, सवार को पता होना चाहिए कि वो सवारी को कंट्रोल कैसे करेगा। जो आपको स्पीड लिमिट लगती है ना कि यार मेरे लिहाज से ठीक है, पुलिस की लिमिट के अंदर, उससे ऊपर आप कहेंगे मुझे 200 पे लगता है वो नहीं। अगर आपको लगता है कि आप 100 पे कर सकते हैं, मेरी नजर कमजोर है रात के टाइम, मैं 110 ऊपर नहीं जाता रात, ठीक है मुझे समझ नहीं आती आगे से लाइटें पड़ती हैं तो मैं 110 पे चला लेता हूँ। सर आपकी नजर कमजोर है तो इस सीट पे बैठे ना, जिसकी नजर टाइट है वो सही, जो राइट है वही लाइट है किसके साथ टाइट है। आपको फेरे के बाद आपको देते हैं गाड़ी चलाने के, आपने आते हुए भी जर्मन गाड़ी चलाने का पूरा किया, आप आगे भी पूरे कर लें। सर मुझे गाड़ियां जर्मन नहीं पसंद। ये इंडिकेटर जो है इसका क्या मकसद होता है कि राइट वाला इंडिकेटर क्या होता है? सर वो कह रहा है मैं उस तरफ चला, मैं उधर ही रहूंगा सारी रात जागूंगा, मैं नहीं मानूंगा आज हम सारी रात जागूंगा। ये भाई देखें ये मेन लाइन चली जा रहे हैं उसको लाइट ये देखें लेन सेंटर खाली है, उसको लाइटें मार रहा हूँ, वो दिए जा रहे हैं इंडिकेटर राइट। सर बताएं फिर जरा गाड़ी के बारे, बॉयज ने खा लिया पी लिया, गाड़ी के बारे में एक्सटीरियर तो आपने दिखा दे इसमें मॉडिफिकेशन एक्सटीरियर में काफी। सर वाले सलाम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र आप सुनाए भाई को तो हमने देखा था यार। सलाम क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है फरहान भाई? कल से खुशी बहुत है, चला गया। सलाम क्या हाल है? क्या कर रहे हो सर? इसके सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं, मैंने अभी नोटिस किया। सॉफ्ट क्लोज दिखाया जरा, आ जाएगा ये देखें, सॉफ्ट क्लोज है, लॉन्ग व्हील बेस्ड है, व्हील इसके चेंज किए हैं, इसको हाफ एंड हाफ हमने वो किया है, रैप इसके मोनोग्राम ब्लैक किए हैं, पूरी थीम गाड़ी सर इसका एस क्लास की जाए, SSM कर दी है, वो ऐसे ही लगाया एस क्लास इधर लिखा हुआ है। और आइवरी वाइट इंटीरियर तो आपको दिखाया था, वोजन के व्हील्स लगाए हैं, इसके जो डिजाइन इसके लिए बना हुआ है वोजन के। हाँ जी कॉन्टिनेंटल के टायर हैं, ब्रांड न्यू वो डले थे, बाकी हर चीज़ जो क्रोम थी सबको ब्लैक कर दिया था, तो वो थोड़ी थीम गाड़ी की चेंज की थी ताकि आपके अंकल टाइप ना लगे, मतलब आपके टाइप। हाँ मेरे टाइप ठीक है, आपके टाइप डुअल टोन क्यों किया? टू टोन इसलिए किया कि वो पहले वाली ऑल ब्लैक पहले थी, तो हमने कहा कि मैं चलाऊंगा डिफरेंट। हाँ आप चलाएं, रिवर्स कैमरा, रिवर्स कैमरा नहीं है? नहीं ले, रिवर्स कैमरे वाले जमाने की गाड़ी नहीं है भाई, उस जमाने में कैसे करते थे। बस ठीक है, हो गया। वो छत के ऊपर पार्किंग सेंसर नजर आ रहे हैं किधर? वो पीछे छत के ऊपर है ये, जब आप करीब जाएंगे तो साइन बढ़ते रहेंगे। ग्रेप सच्चा साइन
और इसकी लाइट ऑन करें राइट से अपनी तरफ खींच भी लें तो फॉग लैंप्स भी ऑन हो जाएंगे। अभी आपने इसको डिपर ऑन किया है, डिपर बंद रख लें अगर ज़रूरत पड़े तो कर लें ऑन। क्रूज़ का कंट्रोल किधर है? ये क्रूज़ का डोंगल है, जहाँ पर लगाएंगे वहाँ लग जाएगा, ठीक है। और इंडिकेटर भी यही है ना? इंडिकेटर नीचे वाला ये। अच्छा ये क्रूज़ का कंट्रोल लग गया था। ड्राइव कैसी लग रही है ये बताएं? फिर अभी तो बताऊँगा, ले देती है यूँ कि नहीं। अच्छा ऊपर वाला क्रूज़ कंट्रोल है जी। अच्छा और डिपर भी ऊपर वाले से? इससे ये डिपर दे दे। चलो जी अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यूज़र रिव्यू की तरफ जा रहे हैं। फरहान साहब को हम चलाने के लिए दे रहे हैं, चेक करेंगे कैसी परफॉर्मेंस है और क्या ड्राइव डिफरेंस है। BMW भी चला के आए थे, ये भी चलाएं तो क्या फील होता है? सर ये थोड़ी सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है। BMW हार्ड थी काफ़ी ये, क्योंकि एक तो इंजन साइज बड़ा है प्लस इसके अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन है, उसमें एयरमैटिक नहीं है। इस पे सीट में भी कोई वाइब्रेशन से फील हो रही है? हाँ जी वो सीट में मसाजर है, मसाजर चल रहा है। हाँ जी आपको फील हो रही है हल्की हल्की कि आपके वेव जा रही है अंदर? हाँ मजा आ रहा है ना, नाम ही काफी। यार मैं दो मिनट लगे नाम ही काफी कहाँ से है बीच में वेव नाम ही कमाल होगी। फ्रांस साहब आपकी देखिए वेव्स अब वैसे ब्रांड नजर नहीं आता, मैंने कहा थोड़ी सी ब्रांडिंग कर दूं उसकी। ये आपका ना फोन बोल रहा है और कुछ नहीं। अब मैं जरा जरूरी काम में खूबसूरत सी सीट अपनी ऊपर करूं। आपने इतनी नीचे करी कैसे चलाते हैं? आपका कद बहुत लंबा है सर। ये हाइट है, हाइट कंट्रोल है इस गाड़ी में तो उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। हां ओए वाह सर आपकी अब मैं मखसूस दुआएं पढ़ने लगा। थोड़ी ठीक है मखसूस दुआएं ठीक है। आप 100 से नीचे थोड़ी करनी नहीं खा रही गाड़ी, सारी गाड़ियां थोड़ी थोड़ी खा रही हैं। हवाएं चेक कराने वाली, हवा चेक नहीं कर रही, लेकिन आप 100 पे क्यों जा रहे हैं सर? मैं थोड़ा सा क्लाइमेटाइज होने जा रहे हैं। यार फरहान साहब क्या हो गया इसको? तो 120 कुछ नहीं कहता, इसको 200 भी कुछ नहीं कहता। एक चीज मसला है, गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा। अच्छा आपने जो भी देखना है अपने अपनी आपको खुद बचाना है। आपका ख्याल है मैं पूरे रास्ते इतना अच्छा नागरिक हूँ, मैंने हॉर्न एक दफा भी नहीं दिया। मैंने लाहौर से जब निकले तब चल रहा था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम जो है ना वो उसने कहा कि मैं अच्छा मतलब जर्मन गाड़ियों वाली ये सारी अपनी वो दिखा रही है। मैं भी कहूँगी इतनी फिट कैसे हॉर्न का, तो जर्मन गाड़ी का नहीं उसको धोने से ताल्लुक है। मैं रोज प्रेशर फ्रेशर मारता हूँ, पानी पुनी कहीं चला गया होगा। खड़ी ज़्यादा रहती है, धुलती ज़्यादा है, चलती कम है। बट ये कि जनरली जितने भी बड़े इंजन है इनको हाईवे पर चलाते रहना चाहिए। जब हाईवे पर चलते रहते हैं ना तो बेहतरीन रहते हैं। अब आप इसको अगर यहाँ पे ये डोंगल है इसको ऊपर करें, ये 118 पे क्रूज है, एक दफ़ा हल्का सा ऊपर करें 19-20 बस यहाँ पे करके छोड़ दें। अब आप समझेंगे वीडियो गेम चल रहा है। मैं ब्रेक दबाऊंगा तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा अगर आप ब्रेक नहीं दबाएंगे तो चलता रहेगा। छोड़ूंगा अच्छा दोबारा ऊपर कर देंगे। ओके वैसे ही है। हाँ हल्का हल्का करेंगे तो 1-1 के ऊपर जाएगा, एकदम टक्कर के ऊपर करेंगे तो 10 के उसके ऊपर जाएगा। टोयोटा के करोला की तरह? टोयोटा के करोला की तरह मतलब ये क्या बात आपने की? टोयोटा है वो नीचे है बस डोंगल उसकी चेंज है। ये नहीं मुझे पता कि टोयोटा के करोला या ये यारिस की तरह। अच्छा स्पोर्ट्स कार सही है। नहीं ये मजेदार काम है वो, उसमें ये मसला था स्पीड लिमिटर और इसके अंदर इसकी हेडमेंट्स की एंटी ग्लेज है, आपको आगे से लाइट मारेगा तो नहीं चुभेगी। अच्छा ओरिजिनल है, किराया कुछ नहीं हुआ इसके अंदर ओरिजिनल लगता है। अगर आप उसको देखेंगे आपको सामने से ना अजीब पर्पल और ब्लू किस्म का टेंज आता है, और उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ओरिजिनल ये ग्लास है यार। आप फिर आहिस्ता कर देते हैं। वो शो करा रहे क्या चीज़? स्पीड जो क्रूज के कंट्रोल की, वो जो ऑरेंज कांटा लगा था ना अभी ऊपर आपने किया था ऑरेंज कांटा, वो ऑरेंज कांटा जहाँ पे वहाँ पे आपका क्रूज लगा था। मुझे आदत ही नहीं है, मेरी सादी गाड़ी है, मैंने क्रूज का कंट्रोल लगाया ही नहीं हुआ। ये लेना क्रूज कंट्रोल, इसको आगे करके करना है कि ऊपर करना है? अभी 120 पे लग गया है, 120 पे लग गया। तेज ये ज्यादा फील हो रही है, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या है वो, उस पे तो पता ही नहीं लगता था। BMW पे आपको फील नहीं होती थी कैसे कहते हैं स्पीड नहीं फील होती थी? बिल्कुल नहीं फील होती थी, यहाँ पे हो रही है। बट स्मूथनेस और सॉफ्टनेस में कोई मुकाबला नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ स्मूथ बहुत है, नींद आने शुरू हो जाती है। नींद तो नहीं आ रही अभी, आप करेंगे थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि ये जाते हुए उस दिन तो बड़ा मैं और बाली दोनों आपस में गप्पे मारते गए कि यार डिस्कशन करते जाओ इससे पहले कि आज नींद आए। ये मसला है कि इसके अंदर ना हॉर्न नहीं है और इसकी टेज लाइफ भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बदतमीज़ वाली है, बदतमीज़ों वाली तेज़ नहीं है। क्रूज के कंट्रोल अभी देखें कहाँ चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है। आपको क्रूज को कम करना है, आप इसको यहीं से कम कर लेना, ऊपर करके ग्रीज लगाएं, अब उसी को नीचे की तरफ करना शुरू करना तो कम होती जाएगी स्पीड। आपको ब्रेक भी लगानी पड़ेगी, उसी से ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। ओके आपने बंद कर दिया। मैं जरा देसी आदमी हूँ ना,
हॉर्न तो है नहीं, वो क्रूज का कंट्रोल के था। अच्छा, इसकी हीट के सुई के लोग बार परेशान रहते हैं, 100 तक बिल्कुल नॉर्मल होती है, 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अच्छा समो, मुझे भी फील हो रहा है कि स्पीड ज्यादा लग रही है ना, हालांकि 120 में तो लगने फील ही नहीं होनी चाहिए इस पे। हाँ, बंदे को ऐसा लगना चाहिए बोर हो रहे हैं, लेकिन 120 पे लग रहा है कि तेज है, एफर्ट है। मैं वो स्पीड से रिलेटेड है, मगर आप नोटिस करें हर बंदा ऐसा चल रहा है, पहले सब तेज चलते थे। हाँ, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, हर बंदा ऐसा चल रहा है। अभी मैं वो बीमर चला रहा था, ये पीछे बंदे ने, उसमें आपको एफर्ट करनी पड़ती है थोड़ा भगाने के लिए, बिकॉज उसके इंजन में पावर इतनी नहीं है। अच्छा, इंटीरियर का आपसे बात हो रही थी कि इसका जो रूफ लाइनर है ब्लैक है और ये आइवरी व्हाइट है, ठीक है। तो इसको आइवरी व्हाइट को साफ रखने के लिए, एक तो जो पहले ओनर थे उनका बड़ा ख्याल था कि उन्होंने साफ रखा हुआ था। मैं वैसे ये करता हूँ हफ्ते में 2 दफा ना, एपीसी और हमारा जो माइक्रोफाइबर है, एपीसी स्प्रे किया, माइक्रोफाइबर मारा, बिल्कुल एक तो ड्राई लुक रहती है, साफ रहता है और खुशबू आती रहती है एक्वामरीन। और हफ्ते में तकरीबन 2 दफा मैं करता हूँ बंद गाड़ी को, हालांकि खड़ी रहती ज्यादा नहीं चलती नहीं, लेकिन इसको व्हाइट को साफ रखने का ये फॉर्मूला, क्योंकि व्हाइट के ऊपर तो थोड़ा सा भी आपने देखा ना, आपने चाय के रही निशान आ गए। अभी मैं इसको जाके साफ करूंगा, कल चाय का निशान तो मेरे ख्याल वैसे भी नहीं हटता, अभी पानी से हटा लूँ तो बाद में तो नहीं हटना। सर, ये स्पीड स्लो, ये हर कोई स्लो क्यों चला रहा है? अच्छी हर कोई स्लो इसलिए चला रहा है भाई कि पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों को पता है कि पेट्रोल बचा हुआ, आप 120 पे आ गए, आप कभी 160 से नीचे नहीं आते थे। मैं अभी 100 पे चला रहा हूँ तो फिर भी स्लो चला रहे हैं इतनी ज्यादा लोग। देखिए, हम तो GPS से भी देख लिए स्पीड, सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहा हमारा मीटर। जल्दी रहने दो। अच्छा, गेन सीमा रेखा पार कर जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको GPS से आपकी स्पीड बता देता हूँ, पता लग जाएगा GPS से डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी में जो अगर आप रेम का साइज चेंज करें ना, तब भी लोगों को नहीं पता होता, कैलिब्रेशन नहीं होती। बट इस गाड़ी में जेनुइन भी 18 का आता है। तो इस पे 18 के लगाए? ये हमने 18 का लगाया कि 19, मुझे याद नहीं, 19 है मेरा ख्याल लगा। ये क्या हुआ? इसमें ओरिजिनल 16 था जो मैंने उतारा है, इसमें 17 भी आता है, 18 भी आता है, डिपेंडिंग ऑन आपने गाड़ी के साथ क्या ऑर्डर किया हुआ। दिखाओ फ्रांस, आपकी ड्राइविंग है 9.5। वाओ, ये अभी तो मेरे को रीसेट नहीं की थी, तो मैं तो 6.8। ज्यादा कमाल एवरेज है ये, 9.5 आउट ऑफ 100 किलोमीटर, तो ये मेरे ख्याल से 10 से ऊपर की एवरेज है। दस की यार, ये राइट पेस पे जाए, करोला पे पिछल गए, करोला के पिछल गए, पीछे और यार इसके पिछल गए, बस इधर आपकी बाइक से बात बाबा ने बताया था। चलिए जी, टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं, अब स्टार्ट देखिए, मैंने ब्रेक लगा दी है। टोल होता है कि टोल होता है ये भी बता दो। टोल प्लाजा, टोल है, टोल, ये टोल ऑन माइन ऑफ होगा, टोल होगा, टूल होगा, टूल जी सर, टूल जी सर, क्या पूछते हैं मेरे से, पूछे मैंने आपको पहली चीज क्या कही थी, क्या रिबॉन के पीछे लगाना, ये कहा था आपने, पहले रिबॉन कहा था फिर खुद ही कहा करोला। अरे रिबॉन मोड़ लें गाड़ी, क्या हो गया आपने वजाहत कर देनी है कोई मेरे साथ, ना रहने दे, बस वाला घुस रहा है। अच्छा, व्लॉग बन रहा सर, सर व्लॉग शरीफ कैसी रही, आप व्लॉग बताए ना, आपने गाड़ी चलाई कैसी लगी? सो अच्छी है ओवरऑल, बट रियल से एज अ प्राइमरी कार तो मैं कभी ना रखूं इसे, बट ये कभी कभी टूरिंग के लिए मजेदार गाड़ी है, ऐसा ऐसा जरा चढ़ी है हाथ पे। थकावट रही कोई? थकावट मतलब सीट की कंफर्ट के बारे में बताएं, आप सीट के वो जो नीचे ये भी, इसको भी आगे कर सकते हैं, आपको पता है। हाँ, अलग अलग ये मेरे पट जो है ना, और इसके दरमियान में बहुत सारे ब्लॉक के अंदर ऐसी लैंग्वेज नहीं आ सकती, पट और ये वो, क्या मतलब पट क्या, थाई एंड स्टीयरिंग के दरमियान में जो फासला था ना, proximity between my thigh and steering wheel was उर्दू में जानो कहते हैं यार, पट कह रहे हैं क्या मतलब, किस किस्म की लैंग्वेज है। तो मसाजर आप कह रहे थे जो वाइब्रेशन हो रही है, वो है किधर? मसाजर खुद ही होता रहता है, अंदर होता है नहीं, लेकिन वो फंक्शन खुद ही ऑन करके मैंने आपसे शरारत की थी यार, टेंशन की तो किधर है, दोबारा करे ना ऑन, एक मिनट रुके मैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है सर, आपने अजीब लोग तितर बितर क्यों हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये पहले इतना ग्रीन लाइन लगी है ना एक्सप्रेस लेन, अंधे हैं मतलब, वो बस वाले को देखे ना, इसको पकड़ कर इसका चलान होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है ये, और ये रोज अगर आती है तो उनमें एमटैग क्यों नहीं लगा हुआ? सर वो नहीं आती होगी ना, अभी एग्जेक्टिव प्लस है, पहली दफा ये हो गया, ये किस किस्म की लॉजिक है यार आपके पास? नहीं मतलब क्यों, कोई बस पहली दफा भी तो आती होगी ना, यार यहाँ से बंद होती है भाई, क्या बंद कर देना, सामने दिखाए बैलेंस वाले कितने अच्छा, इन्होंने अब देखा है शुरू में एक दफा किया, अब ये अच्छा कर दिया इन्होंने, काफी बेहतर कर सर, एक्सप्रेस लेने ज्यादा होनी चाहिए, कैश वाली कम होनी चाहिए, डिस्करेज करने की। सर आपकी क्यों नहीं है ये M-Tag? यार ये मैंने गाड़ी जब से लिए, मैं वैसे आज सोच रहा हूँ, मेरा ख्याल था होना चाहिए था, ट्राई करें क्या जाके M-Tag वाले पे, ही नहीं तो कहीं ना कहीं लगा सर, किधर लगा होगा, इधर ही होता तो इधर ही होता ना, और भी था कौन तो ओवरऑल आई थिंक इसकी, इसका गियर बॉक्स क्या है, ठीक है 10 स्पीड और इसमें ये 6 स्पीड। अच्छा ये आप जो है एस मोड आ रहा है ना इसका, जो समर समर हुआ,
आपने पैडल शिफ्टर तो नहीं इस्तेमाल किया? ये क्या हो रहा है? ये बस वाला उधर जाना चाह रहा है, ये उधर जाना चाह रहा है, कुछ समझ से बाहर है मेरी बात। आई डोंट नो। आप यहाँ से राइड करें और उसके बस के राइट से गुजारे, वो करोला वाला जा रहे हैं ना, आपको लोग आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं अपने साथ खुद। तो कितना लेफ्ट जाने आप? नहीं, अपने ऊपर से गुजर नहीं जाएगा। मास्टर ऑफ स्नैक वीडियो, आई विल स्टेप पॉज। ये देखिए ना, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं। 1100 रुपए निकाले हैं। कितना पैसा, पैसा कितना चाहिए? देखिए पैसा क्या होती है, 32 की जरूरत यार। ये इस पे तारीम करे ना, लिखा हुआ सारी चीजें। अभी अगर आप गए तो निकल गए थे। सो फाइनली हम मोर पहुंच गए। यस, सेफ एंड साउंड। अभी वो जो है बाली के वो लोकेशन में गए, अब लाहौर से बाहर की सवारियां उतारनी है हमने। हाँ, आप बताओ चट्टा साहब, कैसी एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? ड्राइविंग तो अच्छी है इसकी, ऑब्वियसली स्मूथ है। बस हम तो पीछे सो रहे थे जब हम कल निकले थे, तो आप प्राडो में कैसा फील करते ये बता दें। प्राडो में गए तो कमर दोरी हो गई थी ना? बिल्कुल बेहतरीन है। और अगर ट्रूपी पे आते तो सर वो तो कम्फर्ट लेवल एक अखीर था, सोते हुए आना था। ट्रूपी 27 तारीख वाला जो विजिट है, इसको बायर के बजाय अगर हम बाय रोड करें तो पॉजिटिविटी काफी स्प्रेड हो जाएगी। बिल्कुल X2 पे चलते यार, मैं कह रहा हूँ आपको ट्रूपी पे जाना है, आप X2 पे आ रहे हैं। X2 पे बाकी मैं बिल्कुल थकावट नहीं फील की, बड़ा जबरदस्त किस्म का ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस था। वैसे मुझे लग रहा है की आप बच्चों को बार बार बताना चाह रहे हैं की जो है ना इंसान की कंपनी भी काउंट करती है, और आप इनको बोरिंग कहना चाह रहे हैं। आते हुए आपकी कंपनी बेहतर थी, अब आप बोरिंग। हाईवे जो है ना, हाईवे पे, हाईवे और माईवे, तो उस टाइम आप माईवे पे थे, अब आप हाईवे पे। और दूसरा, आप लोगों ने एंजॉय भी की होगी मेरी ड्राइविंग, आप तो बिल्कुल ये बिल्कुल। अच्छा चलो, ये अब इनसे इंडिपेंडेंट फ्री पहुंच गए भाई। कल आप मेरी ड्राइविंग में गए थे, आज इनकी, ठीक है, किसकी बेहतरी? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है वापसी पे। आप फरहान भाई मालिक हैं, आप उससे बड़े मालिक हैं। ये नहीं, मालिक आपकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बोलता ना कि नहीं, सुनील साहब की बहुत अग्रेसिव है बंदा ना, स्कूल नहीं। नहीं, वो भी बेहतरीन थी, ये भी बेहतरीन थी। कौन सी अग्रेसिव? थोड़ा सा नहीं, फरहान साहब ज्यादा लाइट पाउंड, ज्यादा लाइट। फरहान भाई ने थोड़ी हल्के चलाई है, वो आपका ये है कि आपने कॉन्स्टेंट स्पीड रखी है सुनील साहब ने, तो वो जरा बेहतर मुझे। हाँ, वो क्रूज नहीं टूटने दिया, ये बेहतर। ऑब्वियसली अभी मैं थोड़ा सा यूज्ड टू, जब इस गाड़ी पे हो जाऊंगा अगली दफा चलाऊंगा। सुनील साहब कह रहे थे कि वो मास्टर ऑफ स्नैक वीडियो ड्राइव गुड, पॉजिटिविटी। तो अब आप ये बताए, आपने पहली बारी जर्मन गाड़ी चलाई, कैसा लगा? पहली बारी नहीं चलाई, पहले भी चलाई। पहले कहाँ चलाई थी? पहले यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में हाईवे पे जाते थे? नहीं, यूनिवर्सिटी जाते थे यार। मैं यूनिवर्सिटी में हाईवे की बात पे सर मैं जाता था भाई, मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, आप बाइट माइंड कर रहे हैं बात। हाईवे पे पहली बार जर्मन गाड़ी चलाई? हाईवे पे पहली बार। कैसा डिफरेंस फील किया आपने? हाईवे पे चलाई हुई मैंने 99 मर्सिडीज चलाई हुई पहले, 99 में सी क्लास चलाई हुई है यार। हमें पता है आप पुराने अमीर है, आगे चलते हैं। अभी आपने मतलब 2000 मारो मुझे, मैंने सवाल किया 7-8 इसमें काफी मुझे मारो जी। अभी रिसेंटली आप जो है स्पोर्ट्स कार, रिसेंटली तो मैं सिर्फ अपनी ट्रेवल करते हैं स्पोर्ट्स कार पे, उससे कंपेयर करेंगे तो क्या फील करेंगे? काफी फर्क है यार। किस लिहाज से? उस मतलब कि ये बिल्कुल मुझे लगा जैसे बस सागा में बैठा हूँ। कल्टस नहीं, ये ग्राउंडेड है, और ऑब्वियसली जर्मन गाड़ी की मेरी तरह जो है ना ग्राउंडेड है बिल्कुल, उस पे जो है ना हाईवे पे काम सही है, सेट है। तो ये इतना लंबा व्लॉग होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। इसके अंदर रहना नहीं सर, एंडिंग प्रिसिजन मेरी ठीक है, एंडिंग है भाई। सब्सक्राइब कर ले कर, और ये बहुत ज्यादा शेयर करे। अगर 5000 सब्सक्राइबर हो गए ना ज्यादा इस वीडियो के बाद, तो फिर हम डेली व्लॉग जंगल में आके कितना व्लॉग डाला, डेली व्लॉग डाला करेंगे। फरहान साहब अपनी प्राइवेट लाइफ के ऊपर व्लॉग शुरू करेंगे, बताएंगे सुबह कैसे उठते हैं और क्या क्या करते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, अंडा टोस्ट चाय खाते हैं, चाय मैंने अंडा पीते हैं, सारी मेरी गाड़ी में आजकल छोड़ी हुई है सर। आपने हर किसी की गाड़ी में कोई ना हो, सारे कहते हैं अच्छा ये क्या दाग है ये। अच्छा, लोगों की गाड़ी में सिगरेट गिरते हैं, मेरी गाड़ी में चाय गिरती है, और हर गाड़ी में गिरी हुई है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, गाड़ी गाड़ी को पता है। अच्छा, मेरे मग के बारे में लोगों को बड़ी परेशानी है, कहाँ से आया? बिल्कुल मुझे खुद भी है, कहाँ से आया आज जरा डिस्क्लोज कर दे। अमरीका शरीफ से कौन लेके आया? अली रिजवी। वाह, और उनको कैसे पता लगा आपको जाके? मेरे पास एक और था, यटी का एक मग था जो कि मेरा बड़ा दिल के करीब था, वो कहीं घूम गया और मैं बड़ा परेशान था, तो मुझे उसने कहा कि मेरे पास एक मग है मुझे देता, उन्होंने मुझे दिया। तो और ये जो है
अब खाली है? अभी खाली करके आया हूं। आपको जंग सुना सुना कैसा लग रहा है? अगर ये अभी खरीदनी हो तो ये पार्क व्हील्स पे लिस्टेड है ऐसी गाड़ी? नहीं, गाड़ी फॉर सेल नहीं। नहीं, ऐसी गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां हैं बिल्कुल। आप फिल्टर लगाएं, पार्क व्हील में जाएं या गूगल पे जाके लिखें मर्सिडीज 2007 पाकिस्तान सर्च दबा दें, पार्क व्हील सर्च दबा दें तब भी आ जाएगा। या पार्क व्हील पे जाएं, फिल्टर लगा लें। 2006 से लेके 2010 तक यही गाड़ी आई है। उसमें तीन इंजन फॉर्मेशन ज्यादातर आपको मिलेंगी, 350 मिलेगी, 500 मिलेगी, 600 बहुत लिमिटेड है। 320 CDI भी आती थी, वो भी मिलेंगी एक दो गाड़ियां। मिनिमम गाड़ी जो शुरू होगी मेरा ख्याल है इसके साथ की पार्क व्हील्स पे तो वो होगी करोड़ पैसे, मैक्सिमम जाएगी 1.25 करोड़ तक। जी बाली भाई, क्या पूछ रहे हैं? क्या प्लान है? वो पूछ रहे हैं बस ले रहे हैं, बस रोज रोज चला रहे हैं। वो किधर हैं, किधर पहुंचे? मैं बात करता हूं आपके, मेरी दोनों बॉस लो हैं। तो ठीक है पार्क व्हीलर, हम लाहौर पहुंच चुके हैं और गाड़ी का एक्सपीरियंस फरहान साहब ने भी शेयर कर दिया, सुनील साहब ने भी, और बाली भाई हमारा वेट कर रहे हैं। गाड़ी एक्सचेंज करेंगे हम और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून।